ये तो ब्लू ओशन डायमंड का नेकलेस है, इसमें लगे हर एक हीरे की कीमत 10 करोड़ है और ये पूरा नेकलेस 100 करोड़ का है। ये तो आज तक हमारे शोरूम के बाहर डिस्प्ले पर भी नहीं रखा गया। कल एक बंद कमरे में शहर के सबसे बड़े रईस लोगों को इसको दिखाया गया था, वो तक इसकी कीमत नहीं दे पाए। ये तुम्हारे पास कैसे आया? अहान ने 100 करोड़ का नेकलेस कैसे खरीदा? अगर अहान ही मिस्टर रायजादा है तो वो घर जमाई बनकर जिल्लत की जिंदगी क्यों जी रहा है? आखिर क्या है अहान का सच? हैप्पी एनिवर्सरी शनाया। ये तुम्हारा गिफ्ट। किस बात का गिफ्ट? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ शादी का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था? मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था वो गिफ्ट। हर लड़की चाहती अपने पति के साथ रानी बनकर रहे, और मेरी किस्मत देखो, मेरा फर्टीचर पति जिसके पास खुद का घर भी नहीं है, घर जमाई बनकर रहता है वो, मेरा खर्चा भी नहीं उठा सकता। क्या है इसमें? Let me guess. पिछली बार की तरह कहीं वो सड़क छाप 100 रुपए वाला मोबाइल कवर तो नहीं है, राइट? यही होगा ना? अहान गरीब बेरोजगार फटेहाल लड़का था और एक दिन एक खास वजह से अचानक उसकी शादी शहर के सबसे अमीर खानदान में से एक गिल परिवार की बड़ी बेटी शनाया से हो गई। अहान का अपना कोई घर नहीं था तो उसे घर जमाई बनकर गिल परिवार के साथ रहना पड़ा। ससुराल में वो एक नौकर की तरह रहता था, हर कोई उसे जलील करके चला जाता था। आज शनाया और अहान की मैरिज एनिवर्सरी थी और अहान शनाया के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया था, पर शनाया ने आज भी अहान को बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। अहान की आंख में आंसू आ गए, वो कमरे से बाहर निकलते निकलते बोला, एक बार गिफ्ट खोल के तो देखो। अहान की बात सुनकर शनाया ने बुरा समूह बनाकर कहा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे इसमें हीरो का हार है। चलो कह रहे हो तो खोल के देख लेती हूँ, देखते हैं मेरा फटीचर पति क्या लेकर आया है। शनाया ने बेमन से गिफ्ट खोला और गिफ्ट खोलते ही उसे एक झटका सा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये गिफ्ट अहान ने दिया है। अहान, ये तो ब्लू ओशन डायमंड्स नेकलेस है और ऐसे नेकलेस तो दुनिया में सिर्फ 4 हैं। अहान, इसकी कीमत करोड़ों में है और तुम जैसा फटीचर ये तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सच बताओ, ये कहां से लाए हो? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की ना? अगर तुम ये चोरी करके लाए हो ना, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी और तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में जाकर कर दूंगी। फिर सड़ते रहना जिंदगी भर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कोई चोरी नहीं की है शनाया, तो जब देखो मुझे जलील करने का मौका चाहिए होता है। सच तो ये है कि यह हार नकली है। 5,000 में मिला ब्लू ओशन डायमंड की कॉपी। पता था मुझे, मैं भी कितनी पागल हूं ना, अपने फटीचर पति से मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। नकली नेकलेस, क्या करूं इस नकली नेकलेस का? हाँ ठीक है, जाओ अब तुम निकलो यहां से, नींद आ रही है मुझे, सो जाओ जाके सर्विंग क्वार्टर में। नकली नेकलेस लेकर आए हैं, जाओ। शनाया से बुरी तरह जलील होने के बाद अहान सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगता है। कहने को तो शनाया और अहान पति पत्नी थे, पर शादी के बाद से शनाया ने अहान को एक बार भी अपने करीब नहीं आने दिया था। करीब आना तो दूर की बात थी, शनाया अहान को अपने कमरे में सोने भी नहीं देती थी। अहान के सोने के लिए बंगले के पीछे वाला सर्वेंट क्वार्टर था। अहान के जाने के बाद शनाया उस मनहूस दिन को याद करती है जिस दिन उसकी शादी अहान जैसे लूजर करीब से हुई थी, और वो चाह कर भी अहान को तलाक नहीं दे सकती थी,
अगर वो अहान को तलाक देती तो उसके और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती। एक बार तो उसका दिल किया कि अहान को आज अपने कमरे में बुला ले, पर फिर उसने अपना सर झटका और लाइट बंद करके बिस्तर पर आकर लेट गई। लाइट बंद करते ही शनाया का कमरा एक अजीब सी नीली रोशनी से भर गया। शनाया को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी, जहां अहान का दिया नेकलेस पड़ा था। ये देख शनाया सन रह गई। ये क्या, उस डायमंड से तो नीले रंग की रोशनी निकल रही है, ये कैसे हो सकता है? नकली नेकलेस से ऐसी रोशनी? वो ब्लू ओशन डायमंड का नेकलेस अंधेरे में भी जगमगा रहा था। वो हड़बड़ाकर नेकलेस उठाती है और उसे उलट पलट कर देखती है। शनाया को रात भर नींद नहीं आती है। और अगले दिन सुबह उठकर वो बिना किसी को कुछ कहे सीधे घर से बाहर निकल जाती है और शहर के सबसे मशहूर ज्वेलर जावेरी के शोरूम पहुंचती है। Excuse me. Yes, ma'am. How may I help you? मुझे चेक करवाना है ये असली या नकली। Okay. और सेल्स गर्ल को वो नेकलेस दिखाती है। उसे देख सेल्स गर्ल चौंकते हुए कहती है, ये तो ब्लू ओशन डायमंड का नेकलेस है, इसमें लगे हर एक हीरे की कीमत 10 करोड़ है और ये पूरा नेकलेस 100 करोड़ का है। ये तो आज तक हमारे शोरूम के बाहर डिस्प्ले पर भी नहीं रखा गया। कल एक बंद कमरे में शहर के सबसे बड़े रईस लोगों को इसको दिखाया गया था, वो तक इसकी कीमत नहीं दे पाए। ये तुम्हारे पास कैसे आया? सेल्स गर्ल की बात सुन शनाया हक्की बक्की रह जाती है। 100 करोड़ का नेकलेस जिसके बारे में शहर के कुछ रईसों को ही पता था और वो भी उसे खरीद नहीं पाए थे, वो अहान के पास कैसे आया? शनाया हड़बड़ाते हुए उस नेकलेस को वापस अपने पर्स में रखती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सेल्स गर्ल जोर से चिल्लाती है, गार्ड, इस लड़की को बाहर मत जाने देना। सेल्स गर्ल की आवाज सुन गार्ड शनाया का रास्ता रोक लेता है। मैं अभी सभी सर को बुलाती हूँ, इस लड़की ने एक बेशकीमती नेकलेस चोरी किया है। मैम प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे ये आप यहाँ बैठिए। क्या कर रहे हो? जबरदस्ती है ये, क्या कर रहे हो तुम लोग? शक्ल से तो अच्छे घर की लगती हो और काम चोरी के। अरे जब इतना महंगा नहीं खरीद सकती थी तो चोरी कर लिया, अब जाइए जेल और वहाँ पे नेकलेस की जगह पे हाथों में हथकड़ी पहनना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 2 कौड़ी के गार्ड होकर मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? हाँ तुम लोग मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, और इस नेकलेस को ना मैं यहाँ लेकर आई हूँ, चोरी नहीं किया मैंने। अरे तुम जो कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक जावेरी सेठ यहाँ पे नहीं आते तब तक आपको यहीं पे बैठे रहना है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखो मुझे जाने दो। मैडम आप बैठिए यहाँ पर। गार्ड के मुंह से इस तरह की बात सुनकर शनाया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो मन ही मन अहान को कोसने लगती है। आज तक अहान ने मुझे एक दिन भी खुशी से नहीं रहने दिया, पर आज तो हद ही हो गई। उसने चोरी की और उस वजह से मुझे 2 कौड़ी के गार्ड और सेल्समैन से बेइज्जत होना पड़ा। एक बार यहाँ से निकल जाऊँ सबसे पहले उस अहान को पुलिस के हवाले कर दूंगी। इस टीचर की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। शनाया सर झुकाकर अहान को कोस रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तो आप है वो जिसके पास से ब्लू ओशन डायमंड नेकलेस मिला है? वैसे मैं जानता हूँ आपने यह हार हमारे शोरूम से चुराया नहीं है, क्योंकि जिस बंद कमरे में इस हार की नीलामी हुई थी वहां कोई भी औरत मौजूद नहीं थी। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये हार आप तक पहुंचा कैसे? कहीं आपने हमारे खास कस्टमर के घर चोरी तो नहीं की है? मैं कितनी बार बोलूं कि ये हार मैंने नहीं चुराया है। अरे मैं यहाँ दिखाने के लिए लाई थी कि असली है या नकली। शनाया की बात सुनकर जावेरी सेठ ने उस हार को हाथ में लिया और अपने आदमी को शोरूम की सारी लाइट्स बंद करने का इशारा किया। शोरूम के सारे एम्प्लॉयज भी वहाँ आ गए ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही लाइट्स बंद हुई तो कमरे में अंधेरा हो गया। लाइट्स बंद करने के बाद उस नेकलेस से वैसी रोशनी नहीं आई जैसे शनाया के घर में आ रही थी। ये देख शनाया को यकीन हो गया कि ये नेकलेस नकली था और अब उसे अहान पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि एक तो उसने नकली नेकलेस गिफ्ट किया और ऊपर से उस नकली नेकलेस की वजह से शनाया को जिंदगी में पहली बार इस तरह सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। अब तो आपको भरोसा हो गया ना मुझ पर कि मैंने ये नेकलेस नहीं चुराया था, और वैसे भी नकली है, इसके डायमंड्स में से कोई नीली रोशनी नहीं आ रही है। लाइए मुझे हार वापस कीजिए।
तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वहाँ खड़े सब लोग चौंक गए। अरे ये नेकलेस तो अंधेरे में बिल्कुल चमकने लगा, इसका मतलब ये असली ब्लू ओशन डायमंड नेकलेस है। ये आपके पास आया कहाँ से? इसे तो कल हमारे बहुत खास कस्टमर मिस्टर रईसादा ने 100 करोड़ में खरीदा था, कहीं आपने उसके बाद चोरी तो नहीं की है? कहाँ से आया अरबों का हार बेरोजगार अहान के पास? आखिर क्या है अहान की असलियत? कहीं अहान ही तो मिस्टर रईसादा नहीं है? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? शनाया के मन में ये सब सवाल आ रहे थे, पर उसे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। तभी शनाया को जावेरी सेठ की आवाज सुनाई दी। गार्ड, इस लड़के पर नजर रखो, तब तक मैं पुलिस को बुलाता हूँ। जी सर। और उसके बाद मिस्टर रईसादा को भी, इतने बड़े आदमी के घर चोरी किए, उन्हें तो शायद अभी तक इस चोरी का पता भी नहीं होगा। जावेरी सेठ की बात सुनकर शनाया शर्म और डर से पानी पानी हो जाती है। आज उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। जावेरी सेठ ने पुलिस को फोन लगा दिया था और कुछ ही देर में एक इंस्पेक्टर और दो लेडी कांस्टेबल शनाया को अरेस्ट करने आ गए। अच्छा, तो तुम हो वो चोर जिसने 1 अरब का बेहद कीमती हार चोरी किया। बहुत शातिर हो, तुमने तो रिकॉर्ड बना दिया। भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज तक किसी भी लेडी ने 1 अरब की चोरी नहीं की। तुम्हारे साथ सेल्फी बनती है, पता है? तुमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सर, मैं कितनी बार बोलूं कि मैंने चोरी नहीं की है, और ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ना मुझसे तमीज से बात कीजिए, वरना सही नहीं होगा। तमीज? 2 कौड़ी की चोर मुझे धमकी दे रही है? अब तो देख तेरे साथ क्या करता है। हथकड़ी पहना के पूरे शहर में घुमाऊंगा और वायरल कर दूंगा, चोरों की महारानी। कांस्टेबल, देखिए मैं बोल रही हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ, छोड़िए मुझे। एक सेकंड। पुलिस इंस्पेक्टर का ऑर्डर सुनकर लेडी कांस्टेबल हाथ में डंडा लेकर शनाया को घूरते हुए आगे बढ़ी, और उसने जैसे ही शनाया को मारने के लिए डंडा उठाया कि तभी इंस्पेक्टर का फोन रिंग होने लगा। इंस्पेक्टर तावड़े स्पीकिंग। इंस्पेक्टर ने सिर्फ 10 सेकंड्स में ही यस सर कहकर फोन काट दिया, और उसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर शनाया के साथ साथ लेडी कांस्टेबल और जावेरी सेठ भी चौंक पड़े। कांस्टेबल, डंडा मैडम को दो। नहीं मैडम, डंडा लीजिए। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपको। मैडम आप मुझे मारिए। मैम आप मुझे मारिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं आपको डंडा क्यों मारूंगी? मैडम ये मेरी बदतमीजी की सजा है, आप मारिए। अचानक से क्या हो गया आपको? कुछ देर पहले तो आप मुझे चोरों की रानी बोल रहे थे, और अब आप मुझे शनाया मैडम कह रहे हैं? मैं यहाँ से जा रही हूँ, बहुत इंसल्ट झेल ली मैंने। मैडम अगर आप मुझे नहीं मारोगे ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और वो मुझे बहुत बड़ी सजा देगा। आप मरी मैम। इंस्पेक्टर की बात सुनकर शनाया को कुछ समझ नहीं आया। ये सब क्या चल रहा है, और मैं आपको डंडे से क्यों मारूंगी, और कौन है वो जो आपके परिवार को सजा देगा? किसका फोन था? शनाया की बात पूरी होने से पहले ही शोरूम के बाहर एक साथ बहुत सारी कार्स के ब्रेक लगने की आवाज आई, और शोरूम के दरवाजे से काले सूट में बॉडीगार्ड अंदर आए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बॉडीगार्ड्स किसके हैं और क्यों आए हैं। तभी दरवाजे से बहुत हैंडसम आदमी घुसा, जिसे देखते ही शनाया और जावेरी सेठ दोनों एक साथ बोल पड़े। यश तुम? यस सर, आप? हाँ मैं, और इंस्पेक्टर को भी मैंने ही फोन किया था। मैं चाहता हूँ कि इस इंस्पेक्टर को तुम सजा दो, क्योंकि मेरे बॉस वीडियो कॉल पे सब देखना चाहते हैं। एंड शनाया, कल के लिए आई एम रियली सॉरी, कल जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं दे पाया था, ये रहा तुम्हारा 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ यही नहीं, मेरे बॉस ने कहा है कि ये और इसके आगे आने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को ही मिले। यश, तुम मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, कल तक तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट छीनना चाह रहे थे, और कौन है ये तुम्हारे बॉस और मुझ पे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? ये है मेरे बॉस,
यश ने जैसे ही फोन पर अपने बॉस की फोटो शनाया को दिखाई, शनाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये तो आहान है, ये तुम्हारा बॉस कैसे हो सकता है? ये तो 3500 रुपए की नौकरी करता है। तभी जावेरी सेठ ने आगे बढ़कर उस फोटो को देखा और जोर से कहा, अरे यही तो है जिन्होंने कल 100 करोड़ का ये नेकलेस खरीदा था। 3500 की सैलरी वाला फटीचर शहर के सबसे अमीर आदमी यश का बॉस कैसे बन गया? अहान ने 100 करोड़ का नेकलेस कैसे खरीदा? अगर अहान ही मिस्टर रायजादा है तो वो घर जमाई बनकर जिल्लत की जिंदगी क्यों जी रहा है? आखिर क्या है अहान का सच और वो ये सच दुनिया से क्यों छुपा रहा है? पूरी कहानी जानने के लिए सुनिए सीक्रेट अमीरजादा, पॉकेट FM की वो ऑडियो स्टोरी जिसे अब तक करोड़ों लोग सुन चुके हैं। डाउनलोड पॉकेट FM नाउ।